अच्छा जी एडवरटाइजिंग कैंपेन बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड को या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं एडवरटाइजिंग कैंपेन जो होती है ये डिज़ाइन uh, uh, की जाती है बेसिकली और ग्राफिक डिज़ाइनर का ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए हम लोग इस लेसन में एडवर्टाइजिंग कैंपेन के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं आम तौर पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या एडवर्टाइजिंग हाउसेस जो होते हैं वो बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे और अक्सर ये होता है प्रैक्टिस नॉर्मली यही होती है कि बड़े जो ब्रांड्स हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को भी इवन जिस तरह से हमें ये जो हमारी ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेस हैं इनके ऊपर भी बड़ी कामयाब और ज़बरदस्त ऑनलाइन एडवरटाइजिंग एजेंसीज मिलती हैं तो बाजुकात इन एजेंसीज को भी हायर किया जाता है जो कि प्रोड्यूस करती हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन को अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेन को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें और वैसे ही कोई पोस्टर या मैगजीन ऐड वगैरह डिज़ाइन करने में एक्चुअली डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि आई का इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एडवरटाइजिंग एज एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करने को थोड़ा सा मुख्तलिफ और यूनिक बनाता है वैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस में नॉर्मल रूटीन में किसी भी पोस्टर वगैरह को डिज़ाइन करने से हम लोग आम तौर पर जिस तरह ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी हमें कोई असाइनमेंट मिलती है क्लाइंट की तरफ से हम पोस्टर वगैरह बना देते हैं मैगजीन ऐट बना देते हैं वेबसाइट डिज़ाइन कर देते हैं कोई भी चीज़ जो भी हमें डिज़ाइन करने को दी जाए हम डिज़ाइन कर देते हैं जैसे कि हमने लेसनस के अंदर इस ट्रेनिंग कोर्स में देखा भी है अच्छा अब होता क्या है कि जब हम यही चीज़ें किसी एडवरटाइजिंग कैंपेन के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हमें किसी ख़ास हद तक सिमिलैरिटी पैदा करनी पैदा करनी पड़ती है ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसका मतलब ये है कि एक ऐसे तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए प्रोड्यूस किया जाए मार्केट किया जाए कि उन तमाम मीडियम्स में और उन तमाम डिज़ाइंस में एक ख़ास रब्त और मुताबकत जो है वो मौजूद हो अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे आपने किसी ख़ास ब्रांड के हवाले से कोई भी कपड़ों का जूतों का किसी भी चीज़ का ब्रांड हो सकता है उसके हवाले से आपने एक पोस्टर लगा हुआ देखा अच्छा अब आप शॉपिंग करके वहां से बाहर निकलते हैं और आप एक बिलबोर्ड देखते हैं जो कि उसी ब्रांड के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, उसी ब्रांड के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका पोस्टर आपने शॉपिंग मॉल के अंदर देखा था इसी तरह से आप शाम को कोई मैगजीन उठाते हैं और उस मैगजीन में भी उसी ब्रांड के हवाले से एक आपको एड देखने को मिलता है अब ये जो डिफरेंट मीडियाज के अंदर आप एक ही ब्रांड के हवाले से एड्स देख रहे हैं आप अगर नोट करें तो इन तमाम उन सारे एड्स के अंदर कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी मिसाल के तौर पे कलर स्कीम सिमिलर हो सकती है हो सकता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर ने अगर आप गौर करें तो आपको पता चले उन तमाम डिज़ाइन के अंदर उस बिल में उस मैगजीन एड में उस पोस्टर में उसकी वेबसाइट के ऊपर एक ही तरह की कलर स्कीम यूज़ की हो इसके अलावा फोटोग्राफ्स को जिस तरह से यूज़ किया गया है या जिस तरह से जो है वो जिस स्टाइल के अंदर इस्तेमाल किया गया है वो सेम हो सकता है अच्छा कोई एक ख़ास इलस्ट्रेशन स्टाइल हो सकता है यानी कि आ, किसी ख़ास तरह की इलस्ट्रेशन प्रोड्यूस की गई हो और वो उन तमाम डिज़ाइनस के अंदर मौजूद हो तो कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जो कि इन तमाम डिज़ाइंस को आपस में यूनाइटेड करती हैं और इंटीग्रेट करती हैं और इसी तरह से एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो मार्ज वजूद में आती है तो होता क्या है कि हम जब किसी भी ब्रांड के हवाले से डिफरेंट मीडियाज़ में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट सिचुएशंस में एड देखते हैं डिज़ाइंस देखते हैं किसी एक ब्रांड का तो वो जो सिमिलैरिटीज होती हैं उस उन तमाम एड्स में वो लेआउट की भी हो सकती है कलर की भी हो सकती है इन तमाम चीज़ों की हो सकती है वो हमें एकदम जो है वो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट देती है उस ब्रांड से और इसी तरह से एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो बनती है तो बेसिकली जब एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बना बनाई, बनाई जा रही होती है तो इस बात का ख्याल रखा जा रहा होता है कि डिफरेंट डिजाइंस जो डिफरेंट मीडियाज के अंदर एग्जीक्यूट होने हैं उस किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के उन तमाम में कुछ मुताबकत और सिमिलरिटीज़ का होना लाजमी है अच्छा अब हम बात कर लेते हैं पर्पस के हवाले से कि क्या पर्पज़ेज हो सकते हैं किसी भी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के तो एक तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो उसको सेल करने के हवाले से अच्छा अब कुछ कैम्पें होती हैं जो कि किसी नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं किसी नई सर्विस या नए ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं और लॉन्च की गई होती हैं इसी तरह से कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होती हैं जो कि रिमाइंडर का, का काम देती हैं यानी कि किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से जस्ट आपको एक व्यूअर को या उसके टारगेट ऑडियंस को एक रिमाइंडर देती हैं कि अच्छा जी ये ब्रांड जो है ये मौजूद है और इसकी ये ये ख़ास बातें और आप बेशक भले पहले से उसको इस्तेमाल कर रहे हो बट कीप विद दट और कीप यूजिंग इट और स्टे विद दैट प्रोडक्ट और ब्रांड ताकि आप जो है वो उसके उसको यूज़र बने रहें और जुड़े रहें उस ब्रांड के साथ इसके अलावा uh, कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कि uh, uh, कोई मर्जर्स वगैरह अनाउंस करने के लिए डिज़ाइन uh, की गई होती हैं जिस तरह से बाजुकात तो ये होता है कॉरपोरेट इंडस्ट्री में कि कुछ बड़े क्लाइंट्स या बड़ी जो uh, कुछ फॉर्म्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती हैं और एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कर देती हैं तो इस सूरत के अंदर भी हम जो है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स देखते हैं ये तो बात हो गई पर्पज़ के हवाले से अब कुछ बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई किस तरह से जाती है कौन से स्टेप्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं तो जनाब सब सबसे पहले वही स्टेप है जो कि डिज़ाइन को बनाने से पहले हम शुरू करते हैं रिसर्च का सबसे पहला स्टेप रिसर्च रिसर्च की जाती है उस कैंप किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बनाने के लिए मार्केट के बारे में मार्केट के अंदर रिसर्च की जाती है उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस सर्विस के हवाले से फिर सेकंड स्टेप पे टारगेट ऑडियंस डिफाइन की जाती है ये स्टेप भी आपको याद होगा जब मैंने शुरू में आपको डिज़ाइन का प्रोसीजर बताया था उसमें भी मैंने आपको यही स्टेप्स पहले दो जो है वो बताए थे तो यहाँ पे भी हम वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि हम टारगेट ऑडियंस या टारगेट कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे उनको हम जज करेंगे कि किस इकोनॉमिक क्लास के किस सोशल क्लास के लोग हैं किस एज ग्रुप के लोग हैं जिनके लिए वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो बनाई जा रही है इसके बाद जी कॉपी स्ट्रेटजी ये एक तीसरा स्टेप है क्या है कॉपी स्ट्रेटजी क्या आप लोगों को याद होगा मैंने कोर्स के शुरू में आप लोगों को स्लोगन uh, और कैप्शन uh, के हवाले से बताया था uh, मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से किसी भी क्लाइंट के लिए स्लोगन और कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक डिजाइन में अपने डिजाइन के अंदर तो वो जो स्लोगन्स और कैप्शन डिफाइन किए जाते हैं वो इस तीसरे स्टेप पे डिफाइन किए जाते हैं और एक आइडिया जो है वो बना लिया जाता है कि हम ये जो कैंपेन बनाएंगे इसके जो विजुअल्स होंगे वो किस किस्म के होंगे और उसके अंदर किस किस्म की बात की गई होगी किस किस्म का मैसेज दिया जा रहा होगा कलर्स वगैरह किस तरह के होंगे तो ये आइडिया डेवलपमेंट भी कॉपी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड स्टेप है अच्छा इसके बाद मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाती है मीडिया स्ट्रैटेजी के अंदर ये फैसला किया जाता है कि कौन कौन से मीडियाज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा इस कैंपेन को इस प्रोडक्ट को या सर्विस को लोगों तक पहुंचाने के लिए आया के प्रिंट मीडिया के अंदर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स की जाएंगी या ब्रॉडकास्ट मीडिया में टी वी पर ज़्यादा कमर्शियल बनाई जाएंगी इस कैंपेन के हवाले से ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ पर की जाएगी ये सारा एक जायचा जो है वो मीडिया uh, स्ट्रेटजी के हवाले से बना लिया जाता है इसके बाद बजटिंग का एक स्टेप आता है डेफिनेटली मनी इज़ इन्वॉल्व पैसा इन्वॉल्व है एडवर्टाइजिंग uh, के प्रोसेस के अंदर तो डेफिनेटली बजटिंग की जाती है और uh, एक तखमीना लगाया जाता है कि कितने पैसे जो हैं वो दरकार होंगे डिज़ाइन के बनने से ले कर फाइनल एग्जीक्यूशन तक और लोगों तक उस कैंपेन के पहुंचने तक कितने पैसे जो हैं वो कहां कहां पे लगने हैं वो सारा एक जो है वो एस्टिमेट लगा दिया जाता है इसके बाद जनाब जो है वो एग्जीक्यूशन की जाती है और एग्जीक्यूशन जो है वो करके ये कैंपेन लोगों तक पहुंचा दी जाती है अच्छा इस तमाम प्रोसेस के अंदर डिज़ाइनर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और मार्केटिंग के लोग और दूसरे जो कापी के लोग हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ मिल हर स्टेप के ऊपर जो है वो फैसला करते हैं कि हमने विजुअल्स को किस तरह से रखना है और हमारी जो है वो विजुअल लैंग्वेज क्या होगी इस कैंपेन को बनाने के लिए तो विजुअल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन और वो डिसाइड करता है और डिज़ाइन करता है ग्राफिक डिज़ाइनर यानी कि हम लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं हम लोग ही फाइनल uh, आउटलुक देते हैं फाइनल शक्ल देते हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को और हमारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजिंग कैम्पेन के अंदर अच्छा जी एंड में आपको कुछ सोर्सेज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ uh, ये एक वेबसाइट है www.adsoftheworld.com ये वेबसाइट आप लाजमी विज़िट करें अगर आप में से किसी को भी एडवर्टाइजिंग के हवाले से या एडवरटाइजिंग कैम्पेंस के हवाले से जानने का uh, जो है वो शौक़ है या आप अगर इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो गो टू दिस वेबसाइट इस वेबसाइट को देखें ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको दुनिया की बड़ी बड़ी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं वो देखने को मिलेंगी और आपको समझ आएगी कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्चुअली क्या होती है और उसके अंदर क्या ख़ास बात होती है और इसके अलावा आपको कुछ रिव्यूज़ भी मिलेंगे एडवर्टाइजिंग के हवाले से एक और आपको लोकल सोर्स बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अरोरा के नाम से ये एक मैगज़ीन है अगर इस मैगज़ीन को आप आपकी रीच हो तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं अगर ये आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो या आपकी रीच ना हो तो आप इसको जनाब अली अरोरा मैगज़ीन की वेबसाइट के ऊपर जाके इस मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं और इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं इस मैगज़ीन के अंदर भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के हवाले से रिव्यूज़ दिए गए होते हैं आ, और ये हमारे पाकिस्तान की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मैगज़ीन कवर करता है और इसकी एक ये भी इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा के जो लोकली पाकिस्तान की हैं जो कि आप लोग टीवी पे भी देख रहे होते हैं बिल बोर्ड्स पर भी देख रहे होते हैं पोस्टर्स पे मैगजीन मैगजीनस में देख रहे होते हैं उन कैंपेन्स के हवाले से आपको पढ़ने का और सीखने का मौका मिलेगा और उनमें क्या अच्छी बातें हैं क्या प्लस पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको इस मैगजी में तमाम के तमाम जो है वो सीखने को मिलेंगे तो इस लिहाज से इन सोर्स को आप विज़िट करें और आप इनकी मदद से एडवर्टाइजिंग कैम्पेन्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं तो दिस ज़ ऑल अबाउट एडवरटाइजिंग कैंपेन और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एडवरटाइजिंग कैम्पेन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इसीलिए हमने ये सारी डिस्कशन की आई होप यू लाइक डिट और इन शाह तला नेक्स्ट लेसन में हम ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से ही कोई और जो है वो बात डिस्कस करेंगे